हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 योजना से संबंधित जो है अपडेट निकल के आ रहा है, और ये जो अपडेट निकल के आ रहा है ये आ रहा है नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग, फिलहाल है 2500 रुपये। और एक और अपडेट भी नव भारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर वहाँ से निकल के आ रहा है, जिसको बोल सकते हैं NBT न्यूज़पेपर, ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग, पेंशन धारकों ने आंदोलन की घोषणा की। EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय किया है। NSE ने बुधवार को कहा कि संगठन में शामिल पेंशन भोगी दिल्ली में अगले माह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। NSE के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने भाषा से बातचीत में कहा, 30-30 साल काम करने के बावजूद भी उनको ऐसी पेंशन नहीं मिल रही जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिए उनकी जो मांगे है 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, और उनके जो कर्मचारियों के जो पति पत्नी जो है उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ, और जो है EPS 95 पेंशन में जो कर्मचारी नहीं आए हैं उनको या तो शामिल करें या फिर 5000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई है। और उन्होंने बताया कि जो है हम आने वाले टाइम में दिसंबर में काफ़ी बड़ा आंदोलन करेंगे जो कि दिल्ली में होगा। दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन शुरू करेंगे। समिति का दावा है कि करीब 65 लाख EPS पेंशन भोगियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो EPS 95 पेंशन जो हमारे देश के बुजुर्गों की जो मांगे हैं देश के चारों कोनों से, अब तो नेशनल मीडिया में भी आ रही है खबरें। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो दिसंबर में आंदोलन करने जा रहे हैं उससे पहले डिसीजन ले लेती है या फिर उसके बाद डिसीजन लेगी। और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दिसंबर के पहले वीक में या फिर नवंबर के लास्ट में EPFO की CBT की मीटिंग है, और शायद हो सकता है उसमें कुछ फैसला ले लिया जाए। बाकी जो भी कोई अपडेट आएगा हमारी कोशिश रहेगी सारी अपडेट आपके साथ वीडियो बना के शेयर करें। तो ये अपडेट निकल के आ रहा था। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल के साथ।